हेलो दोस्तों, आज हम भूल गया। हेलो दोस्तों, आज ये मेरा सेकंड व्लॉग है और आज हम जा रहे हैं नीलकंठ महादेव बेरन। तो बहुत ही अच्छा स्थान है वहाँ पे महादेव जी का, और कभी आप भी आओ घूमने। तो रास्ते में यहाँ पे 3 से 4 छोटे छोटे तालाब आते हैं जिनका बारिश के दिनों में अच्छा व्यू रहता है। यहाँ की चाय का एक अलग ही स्वाद है। तो चलते हैं मंदिर के पीछे वाली साइड, और यहाँ पे एक छोटा सा कुंड है जिसमें हर मौसम में पानी रहता है, हर मौसम में। यहाँ पे आप देख सकते हैं वो कुंड, ये जो आपके सामने फाटक लग रही है यहाँ पे। साल बाद 2 मिनट आराम लांगा विदेश बनाना, ब्लॉगर बन रहा है, मर जाओगे कैसे, दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों हम आ गए हैं नीलकंठ महादेव बेरन, और यहाँ पे आप भी आओ कभी, अच्छा स्थान है देखने के लिए। और साल में यहाँ पे 2 बार मेला लगता है, बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बोलते हैं अपने हरियाली अमास और गुरु पूर्णिमा के दिन बहुत भारी प्रोग्राम रहता है यहाँ पर। बहुत अच्छी जगह है, ठीक है। और यहाँ पे नारायण स्वामी दाता की एक समाधि स्थल है जहाँ पे दिन में 1:30 बजे पूजा होती है, ठीक है। और आप अब देखिए मेरे पीछे का नज़ारा देख सकते हैं आप।
तो मैंने हमें वाली पहाड़ी माते एक दो तीन आदि मानव दिखा है। देखो मैं जूम करूं, ये खरगोशो एरिया आज मैंने पक्को पता पड़ गया है। तो आज अनाने खरगोशो मिलेगा, इस मिलेगा सही बात है। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपका अच्छा लगा तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो।